शायद पिछले 300 साल में जितना टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन नहीं देखा है, गत 50 साल में अकल्प टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आया है। टेक्नोलॉजी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। टेक्नोलॉजी अपने आप में एक ड्राइविंग फोर्स बन गई है। और ऐसे समय किसी भी देश को अगर प्रगति करनी है तो हिंदुस्तान के सभी स्तर के लोगों को, शहर हो गांव, शिक्षित हो अशिक्षित हो, बुजुर्ग हो नौजवान हो, इस टेक्नोलॉजी के साथ उसको जोड़ना एक उज्जवल भविष्य के लिए अनिवार्य है। आजादी के आंदोलन के समय महात्मा गांधी जिस प्रकार से साक्षरता पर बल दे रहे थे, अगर स्वराज्य के आंदोलन में साक्षरता की एक ताकत थी तो सुराज्य के आंदोलन में डिजिटल लिटरेसी एक बहुत बड़ी अहम ताकत है। और इसलिए भारत सरकार का प्रयास है कि हिंदुस्तान का हर गांव, वहां की हर पीढ़ी, उनको डिजिटल लिटरेट करने की दिशा में कदम उठाया जाए। आज ये जो कार्यक्रम है, भारत के ग्रामीण भारत में 6 करोड़ परिवार रहते हैं। इन 6 करोड़ परिवारों को, परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटली लिटरेट करने का एक बीड़ा उठाया है। 20 घंटे का कैप्सूल है, उसको पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन एग्जाम ली जाती है, वीडियो कैमरा के सामने बैठ करके उसको एग्जाम देनी होती है और बाद में उसको सर्टिफाई किया जाता है। और अनुभव यह आया है कि डिजिटल लिटरेसी के लिए आप कितने शिक्षित हैं, आप किस उम्र के हैं, वो गौण बन जाता है, वो मायने नहीं रखता है। एक जमाना था जब कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी चलती थी दुनिया में, लोग कोट करते थे कार्ल मार्क्स की बातों को, हैव्स एंड हैव नॉट्स, वो लोग जिनके पास है और लोग जिनके पास कुछ नहीं है। इस डिवाइड के आधार पर उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा को डेवलप किया था। अगर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोगों को सतर्क रहकर के प्रयास करना होगा कि देश में डिजिटल डिवाइड पैदा न हो। कुछ लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी में माहिर हो और कुछ लोग पूरी तरह अछूत हो, तो आने वाले युग में जिस प्रकार से बदलाव नजर आ रहा है, ये डिजिटल डिवाइड सामाजिक संरचना के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। और इसलिए सामाजिक समरसता के लिए विकास के मूलभूत बिंदुओं को समाहित करते हुए ये डिजिटल डिवाइड से मुक्ति पाने की दिशा में ये ग्रामीण भारत में डिजिटल लिटरेसी का अभियान चलाया है। हम जानते हैं घर में कितना ही बढ़िया टीवी आ जाए, रिमोट से चलता हो, शुरू में सबको लगता है क्या है, लेकिन घर में जब 2-3 साल का बच्चा अपने आप जरूरत चैनल बदल देता है, वीसीआर चालू कर देता है, बंद कब करना चालू करना सीख लेता है, तो घर के बुजुर्गों को भी लगता है कि हमें भी सीखना पड़ेगा, और फिर वो भी स्विच ऑन स्विच ऑफ करना सीख जाते हैं। क्या किसी ने व्हाट्सएप कैसे फॉरवर्ड करना उसका कोई क्लासरूम देखा है क्या? क्या व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने के लिए हिंदुस्तान में कोई इंस्टीट्यूट है क्या? लेकिन आप देखते हैं देश में व्हाट्सएप फॉरवर्ड करना लोगों को आ गया कि नहीं आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के रास्ते से हम जाते हैं तो हम आसानी से डिजिटल लिटरेसी की दिशा में देश को ले जा सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया एक गुड गवर्नेंस की गारंटी है, ट्रांसपेरेंसी की गारंटी है। भारत सरकार ने एक जेम ट्रिटी के द्वारा विकास की एक कल्पना की हुई है, JAM, जे जनधन अकाउंट, ए आधार, एम मोबाइल फोन। इन तीनों को जोड़ करके सामान्य मानवी की आवश्यकताओं के अनुसार सरकार उसके मोबाइल फोन पर मौजूद हो, इस प्रकार की हमारी विकास यात्रा के कदम चल रहे हैं। देश में एक बहुत बड़ा अभियान चला है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का। बहुत तेजी से लाखों गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को पहुंचाने की दिशा में प्रयास हुआ है और आज दूर सुदूर इलाकों में हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन डिजिटल के माध्यम से देना संभव हुआ है। और जैसे जैसे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हिंदुस्तान के हर गांव तक पहुंच जाएगा, उस गांव की शिक्षा में, उस गांव के आरोग्य की व्यवस्थाओं में, उस गांव की सरकार की जन सुविधाओं की सेवाओं में
आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है और उसी डिजाइन को लेकर के जो हम चल रहे हैं उसी का हिस्सा है कि आज देश के अलग अलग कोने से आए हुए एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर के लोग जिन्होंने कोर्स किए हैं और कुछ लोग करने वाले हैं और आने वाले दिनों में 6 करोड़ परिवारों में एक एक व्यक्ति को इस शिक्षा दी जाएगी वो उसकी रोजी रोटी का भी एक साधन बनने वाला है। भारत सरकार ने जो बीम ऐप बनाई है दुनिया के देशों को अजूबा हो रहा है। हमारे पास जो आधार डिजिटली बायोमेट्रिक सिस्टम से जो डाटा बैंक है हिंदुस्तान के पास पूरे विश्व के लिए अचरज है। इसको जोड़ करके हम विकास को और एम्पावरमेंट को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसका मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है।